पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में जन समस्याओं को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भाकपा माले के द्वारा किया गया और एक ज्ञापन अंचलाधिकारी को सौंपा गया। भाकपा माले ने अंचलाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांग किया कि अविलंब जन समस्याओं को हल करने का रास्ता निकाला जाए, साथ ही सभी गरीब भूमिहीनों को बासगीत पर्चा जल्द मुहैया कराया जाए, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अविलंब लाभुक को दिया जाए, राशन कार्ड बनाने में आ रही समस्या को अविलंब दूर किया जाए। साथ ही हाल में बिहार सरकार द्वारा कस्बा नगर पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया गया है, जिसे पुनः नगर पंचायत में बहाल किया जाए। साथ ही इन कई मुद्दों को लेकर भाकपा माले द्वारा प्रदर्शन किया गया। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात वो सरकार करती है। बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार है, वो न्याय के साथ विकास की बात करती है। लेकिन यहाँ कस्बा प्रखंड में हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी एक बड़ी संख्या है जो आज भी भूमिहीन है। जैसे ये जो NH के किनारे जो लखीपुर गांव बसा हुआ है, जो राधानगर बसा हुआ है, हजारीबाग के जो लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आज भी भूमिहीन हैं। उनके पास जब बसने तक के लिए जमीन नहीं है, खेती करने की बात तो दूर। तो इस मांग के साथ कि कस्बा प्रखंड और अंचल अंतर्गत जितने भी गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको बसने के लिए कस्बा अंचल जमीन देने की गारंटी करे और खेती के लिए उनको जमीन देने की गारंटी करे, इस मांग के साथ हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी में किसान सम्मान निधि जो मोदी सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो बहुत कम है, बहुत नाकाफी है, उसके जो आवेदन करता है उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। जब वो लोग नेट पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि कस्बा CEO के पास वो पेंडिंग है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो कस्बा CEO ये बताएं कि वो पेंडिंग क्यों है, साथ ही साथ जो लोग भी आवेदन करता है उनका अविलंब भुगतान हो, इसकी गारंटी की जाए। इसके साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि देश में आज़ादी के तुरंत बाद ये नारा लगता था कि चाहे भंगी का संतान होगा, चाहे राष्ट्रपति का संतान होगा, सबको एक तरह की शिक्षा मिलेगी, एक तरह का एजुकेशन मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगातार वो खाई बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए सेंट जेवियर्स है, आपके लिए सेंट कैरन है, डॉन बॉस्को है, बड़ा बड़ा स्कूल है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए सरकारी स्कूल है जिसमें 270,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। बगल में गर्वनेली हाई स्कूल है, जो एक समय में बिहार का रिनाउंड स्कूल हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे करके उसकी शिक्षा व्यवस्था ढह रही है, वो खस्ता हाल की स्थिति में है। से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि कस्बा प्रखंड का जो PHC है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, उसमें डॉक्टरों की बहाली हो, जो नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, जितने पद खाली हैं उस पर बहाली हो, ये भी मांग हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि शौचालय निर्माण को लेकर के विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन कस्बा प्रखंड को शौचालय मुक्त तो कर दिया गया लेकिन शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। तो इसमें जो अनियमितता हुई है, ये बड़ा घोटाला है कस्बा प्रखंड के लिए। इसकी जो अनियमितता है उसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो और जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग भी हम करते हैं। देखिए, आज जो हालात है देश के अंदर, जो मोदी सरकार ने आज किसान विरोधी 3 काला कानून बनाए हैं, उसके अंतर्गत ये जमीन भी है। आज बड़े कॉरपोरेट घराना को जमीन जो है मुफ्त में दे रही है, लेकिन वहीं भी आज हम बिहार में देखते हैं कि बिहार सरकार की जमीन, सीलिंग से फाजिल जमीन, खास महल की जमीन, 5 लाख एकड़ जमीन है जो वह गरीबों की हिस्से की जमीन है, जबकि भारत में 1956 में ही भूमि सुधार कानून बना। आज आज़ादी का 72 साल बीत चुका है, लेकिन आज हम कस्बा प्रखंड के अंदर देख रहे हैं कि लाखों भूमिहीन बेघर हैं, बसने के लिए जमीन नहीं है, पानी गिराने का जमीन नहीं है, लेकिन बड़े भूमाफिया को जो है जमीन जो है उसको जो है छूट दे रहा है दलाली करने के लिए। एक हम बिहार सरकार को दोषी मानते हैं, जो कानून वर्तमान में लाई गई है उसको दोषी मानते हैं कि आज जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी अदानी अंबानी रिलायंस को जो है लाखों एकड़ जमीन दे दिया मॉल सेल्स बनाने के लिए, जबकि कानून अभी देश के अंदर लागू नहीं हुआ है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ, कारपोरेट घराना को जमाखोरी कालाबाजारी की छूट दे दी गई और किसानों का जो है उत्पादन कौड़ी के भाव में खरीद करके, आज जो है आलू प्याज को देखें कि आज जो देखिए 80 रुपया किलो आलू, 40 रुपया किलो, जबकि किसानों से वही आलू 4 रुपया किलो में खरीदी गई,
प्याज 8 रुपये में खरीदी गई और मार्केट में जो है अदानी अंबानी जो है 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये विसंगति क्या है। हम इस धारणा इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं इन सारी कानूनों को रद्द करें और जो भूमिहीन गरीब है उसे बांस की जमीन, उसे चास की जमीन देने की गारंटी के। जो मांगे हैं अगर सरकार इसमें पूरी नहीं करती है, पहल नहीं करती है, तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मैंने पूरे दिल्ली के अंदर से लेकर के बिहार में पूर्णिया जिले में मैंने 6 जनवरी से ही अनिश्चितकालीन धरना चला रखे थे और 10 तारीख को हमने वहाँ अनिश्चितकालीन धरना खत्म करते हुए हमने पूरे जिले के अंदर घोषणा कर दिया है कि तमाम हम जगाएंगे कि आपके अधिकार का कैसे हनन हो रहा है, ये सरकार कैसे छीन रही है, इसको बताने के लिए आए हैं जो कस्बा प्रखंड में आज हम उपस्थित हैं।